आमतौर पर शादियों में बनाया जाने वाला सांबार बहुत ही अलग और स्वादिष्ट होता है। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कई तरह की सब्जियां शामिल की जाती हैं। हमने घर पर ही पारंपरिक तरीके से उसी स्वाद के साथ सांबार बनाया है। शादी का सांबार बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास या 200 ग्राम तुवर की दाल को धोकर भीगने के लिए रख दें। इसी तरह हमने 1.5 किलो चावल को भी धोकर भीगने के लिए रख दिया है। चावल और दाल पकाने के लिए एक बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म कर लें। सांबार बनाने के लिए हमने 4 टमाटर, 2 मूली, 1 गाजर, कुछ चौड़ी फलियां, सेम की मात्रा में फलियां, 2 बैंगन और 2 सहजन ले लिया है। दाल के लिए गरम किया गया पानी अब उबलने लगा है। भीगी हुई दाल डालने के बाद 2 टमाटर, 6 लहसुन की कलियां, 8 छोटे प्याज, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा तिल का तेल डालकर इन सबको दाल के साथ पका लीजिए। इसी तरह हमने चावल भी पका लिया है। अब इमली को गर्म पानी में भीगने के लिए रख दें। अब सब्जियां काटना शुरू करती हैं। चावल अब अच्छे से पक गया है, अब इसे निथार लें। दाल भी अच्छे से पक गई है। पानी निथारने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालकर दाल को घोंटना शुरू करें। आधा चम्मच जीरा पीसने के बाद साथ में लहसुन भी कुचल लें। फिर 100 ग्राम छोटे प्याज को भी कुचल लें। अब सांबार बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा तेल और राई डालें। जब राई भुन जाए तो इसमें पिसा हुआ जीरा और लहसुन डालें। इसके बाद 5 लाल मिर्च और कुचले हुए छोटे प्याज डाल लें। इसके साथ ही इसमें कुछ करी पत्ते डालें और प्याज को अच्छी तरह तल लें। जब प्याज अच्छे से तल जाए तो इसमें 2 कटे हुए टमाटर डालें।
अब इसमें थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिलाएं और कटी हुई सब्जियां डाल दें। अब इसमें दाल से निथारा हुआ पानी डालकर सब्जियों को अच्छे से पकाएं। अब एक पैन में 1/4 चम्मच मेथी और काली मिर्च डाल लें, 10 ग्राम धनिया, हींग, 10 ग्राम लाल मिर्च और कुछ करी पत्ते। इन सबको डालकर अच्छी तरह भून लें और फिर सिलबट्टा पर पीस लें। अब भीगी हुई इमली को घोलकर घूंटी हुई दाल में मिला लें। अब सब्जियां एक हद तक पक गई है, घूंटी हुई दाल भी डालकर अच्छे से पका लें। इसके साथ ही शोरबा के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी डालें और उबाल लें। अभी हमने सिर्फ 1 चम्मच पिसा हुआ मसाला डाला है। अंत में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालकर उबाल लें, कुछ धनिया पत्ती छिड़के और फिर आंच से उतार लें। शादियों में बनाया जाने वाला सांबार अब खाने के लिए तैयार है। यह सांबार चावल के साथ खाने पर बहुत ही स्वादिष्ट था।